नमस्कार, मैं हूं विवेका। आपका स्वागत है खबर बिहार 24 समाचार यूट्यूब चैनल में। बिहार में चुनाव है और हर 5 साल में चुनाव होनी है। 29 नवंबर के पहले सरकार भी बननी है। 10 नवंबर को गिनती में यह पता भी चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। अब आम जनता के मत को लेने के लिए तरह तरह के नेताओं के प्रलोभन और वादे सामने आ रहे हैं। नीतीश जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे शिलान्यास और योजनाओं की बात कह डाली जो पिछले 15 साल में संपन्न नहीं हुआ। बहरहाल, अगर देर से जागे और दुरुस्त जागे तो यह भी बढ़िया बात है। उधर तेजस्वी यादव ने कह डाला कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है, मौका मिलता है तो 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। और नौकरियां कहां से दी जाएगी यह भी उसने स्पष्ट बताया कि रिक्त पदों की बहाली सरकार बनते ही कैबिनेट के बैठक में निकाली जाएगी, नौकरियां दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों से आवेदन करने की भी बात कही थी, वह भी हो रही है। इन सारे तेजस्वी यादव के द्वारा सटीक आम युवाओं को बेरोजगारी के मामले को लेकर बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई और 15 साल के शासनकाल की नींव हिल गई कि तेजस्वी ने पकड़ा तो असल नस पकड़ा कि बेरोजगार तकलीफ में जी रहे हैं, बेरोजगारों की नौकरी नहीं है, बेरोजगारों की नौकरियां खत्म हो गई, बहाली नहीं निकली, बिहार में कई ऐसे सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, सरकार ने बहाली नहीं निकाला। इन 10 लाख की चर्चा होने के बाद आंख जनता की भी खुली, जनता भी समझ गई कि इतने इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं, नीतीश और भाजपा ने इसे नहीं भरा। इसके बाद अब बिहार के जनता को बरगलाने के लिए अब महाराष्ट्र के नेता बिहार आते हैं, जिस महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत जैसे ओजस्वी कलाकार को नहीं बख्शा गया, उस महाराष्ट्र के नेता अब बिहार आते हैं जनता के बीच, और बिहार आकर बिहार के जनता के बीच के नेता का अपमान करने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरियां दी जाएगी तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि 10 लाख तमंचे तेजस्वी खरीदेंगे और लोगों को बांटेंगे और वह अपराध में काम आएगा। अब आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच क्या है। युवाओं को अगर नौकरी देने की बात कही गई 10 लाख, तो आप भी वादा करो 20 लाख नौकरी देने का, 25 लाख नौकरी देने का, लेकिन आप क्या कहते हो कि उन युवाओं को 10 लाख तमंचे बांटे जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र के नेता की मानसिकता कैसी है। जिस तरह महाराष्ट्र में आम नेताओं के गुड़गे तमंचे फैलाकर रंगदारी मांगा करते हैं, उसी भाव में बिहार के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए, रोजगार देने की बात न करते हुए, तेजस्वी के 10 लाख नौकरी दिए जाने के बात के काट में वह कहते हैं कि 10 लाख तमंचे खरीदे जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जिस महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या किए, आखिर क्यों किए, जिस महाराष्ट्र में बिहार को बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है, जिस महाराष्ट्र में कंगना रनौत के साथ अन्याय किया जाता है, जिस महाराष्ट्र में बिहारी को भगाया जाता है, उस महाराष्ट्र के नेता बिहार आकर बिहार के नेता के विषय में
इस प्रकार का अपमानित करने की बातों को रखते हैं और तेजस्वी यादव के बातों को तमंचों से जोड़कर लोगों को बड़गलाने का प्रयास करते हैं। क्या अधिकार है ऐसे नेता को बिहार में भाषण देने कर घूमने का? आप कब समझेंगे? आपकी आंखें कब खुलेगी? लालू राबड़ी तेजस्वी इस परिवार के विषय में चर्चा करने के अलावे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पास कुछ नहीं मुद्दा है। क्यों नहीं नौकरी की बात करी जाती? क्यों नहीं बेरोजगारी की बात की जाती? क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी जाती? क्यों नहीं सृजन घोटाला की बात की जाती है? क्यों नहीं बालिका गृह कांड की बात की जाती है? क्यों नहीं महिलाओं के बलात्कार की बात की जाती है? क्यों नहीं बिहार में हो रहे अपराध की बात की जाती है? क्यों नहीं बिहार में हो रहे अपहरण की बात की जाती? क्यों नहीं बिहार में हो रहे व्यापारियों की हत्या की बात होती? क्यों नहीं बैंक लूट की बात होती? क्यों नहीं भ्रष्टाचार की बात होती? क्यों नहीं घोटालों की बात होती? क्यों होती है तो केवल चर्चा तेजस्वी तेज प्रताप लालू राबड़ी की बात होती। कब आप समझेंगे? मंदिर मस्जिद झूठ सांच आलोचना की राजनीति के बजाय आखिर क्यों नहीं है सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा और आप क्यों नहीं समझते? देवेंद्र फडणवीस जैसे महाराष्ट्रीयन नेता का बहिष्कार होना चाहिए। उसे कोई अधिकार नहीं कि बिहार में आकर वैसे नेता भाषण दे जिस नेता के क्षेत्र में बिहारियों का अपमान किया जाता, बिहारियों का शोषण किया जाता, बिहारी कलाकार की मौत हो जाती है और कंगना रनौत जैसे हीरोइन की घर तोड़ दिए जाते हैं। उस महाराष्ट्र के नेता को बिहार में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसे नेताओं को भगा देने की आवश्यकता है और बिहार के जनता को बड़गलाने का प्रयास किया जाता। मैं तो समझता हूँ कि बिहार की जनता काफी समझदार है, हर बात को समझती है। अब मत का प्रयोग करना आपका हमारा अधिकार है। हम अपने से स्वेच्छा से समझ बुझकर मत का प्रयोग करेंगे। देवेंद्र जैसे फजूल व्यक्ति के भाषण को सुनकर हम मत का प्रयोग नहीं करेंगे। हम 15 साल के नीतीश के शासन काल की समीक्षा करेंगे, फिर मैं युवा वर्ग को चुनूंगा ताकि युवाओं को रोजगार मिले, लोगों के हाथ को काम मिले, लोगों को सम्मान मिले, महिलाओं की इज्जत बचे और लोगों को बाढ़ से निजात हो, कोरोना जैसे काल से और चमकी बुखार जैसे सिचुएशन से लोगों को मुक्ति मिले, ना अस्पताल की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ है, ना शिक्षा में सुधार है। क्या होगा इस बिहार का वो नीतीश कुमार से आपको जवाब पूछना चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपका विचारधारा है, क्या आप राय देना चाहते हैं या क्या लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और साथ ही साथ आप बाहरी तत्व को खदेड़ने का प्रयास करें और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों यारों में और इस चैनल को बचाए रखने के लिए, चूंकि यह आवाज सत्य की आवाज है, आपकी आवाज है, आपके बीच की आवाज है। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथ रहने वाला हूँ, इसलिए आपको मैं स्क्रीन पर फोन पे के माध्यम से गुजारिश किया हूँ कि आप कुछ आर्थिक मदद इस चैनल को चलाने के लिए दें। संसाधन के अभाव में सारे कार्य नहीं हो पाते। आप फोन पे के माध्यम से स्क्रीन पर नंबर देखकर सर्च करके आप कुछ राशि आप भेज सकते हैं, जो योगदान आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। धन्यवाद।